बिहार नेतृत्व के सवाल पर कुशवाहा समाज का सबसे ज्यादा समर्थन उपेंद्र कुशवाहा को मिला था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के सामने घुटने टेक दिया, हथियार डाल दिया, कुशवाहा समाज के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात और गद्दारी किया। मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को मेरे पितामह सहित जगदेव प्रसाद के बाद सबसे ज्यादा समर्थन खासतौर से कुशवाहा समाज ने दिया था, और हम लोगों ने भी संकल्प किया था कि बिहार में सभी जो मेजर कास्ट है सबसे मुख्यमंत्री बना वाइनर कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा काफी जूनियर नेता हमसे रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी उनका जीरो था, लेकिन कुशवाहा समाज के हित में मैंने उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनाया, और यही पटना के गांधी मैदान में पूरे 2 लाख कुशवाहा समाज को एक कर खड़ा करके संकल्प दिया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बने तो आप लोग संकल्प लीजिए और अपना वोट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि पूरा का कुशवाहा समाज एक पद पर खड़ा था, एकजुट था, लेकिन इसने कुशवाहा समाज के साथ जो गद्दारी किया और जिस तरह से आपने समर्पण नीतीश कुमार के साथ किया है वह जग जाहिर है। इसलिए पूरा बिहार का कुशवाहा समाज नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को नफरत के दृष्टिकोण से देख रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जो पार्टी बनाए थे वह नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए मैं ऐलान करता हूं इस बात का कि जब तक नीतीश सरकार खत्म नहीं होगा तब तक हम चैन नहीं सोएंगे, और जब तक कुशवाहा समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। खास तौर से और इसके लिए मैं संकल्प लेता हूं, क्योंकि इस बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून बहा है, शहादत हुआ है, और शहादत के बल पर ही चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो ये सब लोग उसी नाम पर सत्ता में गए थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि जो हमसे कुछ कमियां हुई हैं बिहार के पर मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने क्षमा मांगता हूं, और बिल्कुल संकल्प के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में कुशवाहा के बेटा को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं, टिकट बेचवा नेता तो रहे ही है, साथ ही साथ जहां कल जो उपेंद्र कुशवाहा का मिलन समारोह हुआ नीतीश कुमार गर्व से फूल ले रहे थे कि एक लौ कुश समीकरण फिर से बनेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले एक तरह से नीतीश कुमार के साथ गए हैं, पूरा 100% कुशवाहा बिहार का खिलाफ है, और लौ समीकरण ये कभी टूट गया था, अब कुशवाहा समाज की लड़ाई है नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए ये जो कल संसदीय दल का पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है उसमें हंसी छूटता है मुझे इस बात का कि नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट कंपनी है जिसके सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश कुमार भी है, उनके सामने आरसीपी सिन्हा हो या जितने भी नेता उनका कोई वजूद नहीं है इस पार्टी में। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का जो तोहफा देने की बात किया है हमारा पूरा कुशवाहा समाज इस बात को समझ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इन लोगों को करारी जवाब देगा। साथ ही साथ मेरा नाम है नागमणि, नागमणि के आगे मेरा कोई
ऐसे गई है, नाक को लिखे आगे कुशवाहा लिखे, कांगी लिखे, सिंह लिखे, शर्मा लिखे, अंसारी लिखे, खान लिखे, पासवान लिखे, सहनी लिखे, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बिहार में बनाए हूँ। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि हमारे लिए पूरे बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर के चलता हूँ, सबके साथ बहुत बढ़िया मेरा रिलेशन है। इसलिए आगे भविष्य में हम बिहार के सभी जिलाओं का, प्रखंडों का दौरा करेंगे, और हम समझते हैं कि आगे आने वाला दिनों में नवंबर महीने में हम लोग पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे, और उसी में बिहार में नया विकल्प हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।